झूठ बोलती हो? हाँ, शर्म शर्म आती हिंदुस्तानी? हाँ, सब गोरो गोरो के सफेद मेकअप लगा के कहाँ से आई हो? नीले आसमान से? हाथ नीचे कर दो। हाँ, जाओ भी सबके सर। थैंक यू वेरी मच। मैं लोग को जरा घर छोड़ के आता हूं इंडिविजुअली। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेल वेलकम टू बिग बॉस। ये किसका गिरा है? हाय, सो वेलकम टू बिग बॉस। नाउ इस बार का थीम है डबल ट्रबल, क्योंकि बिग बॉस 9 का इस बार है ओनरशिप डबल, कलर्स भी और फिर मैं भी, क्योंकि इस बार बिग बॉस 9 इज माइन। अब ये सोचो कि कौन सा माइन, एक होता है गोल्ड माइन, एक होता है लैंड माइन। कभी कभी गोल्ड से निकल के आदमी को लैंड माइन पे पांव रखना पड़ता है और बहुत ही डेंजरस होता है वो। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कम और लैंड माइन ज्यादा होंगे। कहां पर? बिग बॉस के घर में, बिग बॉस सीजन 9। क्या लगता है आपको? लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं इस बार? अब ये बोल के देखने पे मजबूर कर दिया आपने। वैसे मैं आपको देख रहा था। नहीं नहीं, जो पीछे हंस रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि इस बार सीजन 9 में डबल ट्रबल नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको, होगा कि नहीं होगा? ओहो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है, शेयर कर देता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देना अच्छा है। सरप्राइज देने के लिए जाऊंगा, हिंदुस्तान को शॉक मिलेगा। काय को क्यों, इसको थोड़ा 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 अनवील होने दो, रिवील होने दो। बिग बॉस सीजन 9 डेट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है? वाह, फॉलो करती हो आप, कमाल है। टाइम मंडे टू फ्राइडे 10:30, 10:30 बजे। क्यों 10:30 बजे? इसलिए क्योंकि अशोक का बहुत अच्छा चल रहा है। अपना 9 बजे क्यों? करेक्ट बात है कि ये हिरल कैसी थी, आप जानते हो हिरल को? तो हाँ, तो अब मैं किसी चीज को बुलाने जा रहा हूं यहां पर स्टेज के ऊपर। ले गया भाई सेटिंग, आओ सेट करो मुझे। ये काश मेरी लाइफ में वापस नहीं आए। मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज जो पूछना है आप लोगों को आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग, हर एक सवाल का जवाब देंगे, हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो इसके बाहर में कितना अच्छा लगता हूं ना। हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं कि जो पूछना है पूछिए आप,
हर सवाल का सही सही जवाब दूंगा मैं। ऐसा आज नहीं कहूंगा, वैसे ये मेरे लिए नहीं है, आज ये मेरे लिए नहीं है, नॉट फॉर मी, इट इज फॉर अदर कंटेस्टेंट्स, एक्स कंटेस्टेंट्स, वो यहां पर आएंगे, हम उनसे पूछेंगे सवाल, बट एक आध दो बीच में आप मुझे भी दे सकते हो। एक्स कंटेस्टेंट्स हाजिर हो, कैसी हो मैडम? हाँ, तो आप सबको जानते ही हैं, उर्वशी, प्रीतम, पुंज, चलो हटो साइड में, संजय दत्त बहुत कोशिश कर रहा है, संजय दत्त रॉकी का, संजय दत्त इस एज में, ये देखो आपका छोटा भाई सना, सना की याद में क्या हो गया इसको, अब तो करिश्मा, नाम क्या तेरा? अली कुली मिर्जा, एंड हमारे पंडित जी प्रणीत। तो ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सीजन के अंदर काफी ट्रबल दिया है, बहुत सारा ट्रबल दिया है, मुझे कम, लेकिन ये अभी भी इनको ट्रबल दे रही है। देखो वो जो तेरा वो परफॉर्मेंस नहीं था, तू ऐसा है, कंसिस्टेंट है, तू जैसा घर में था वैसे तो बाहर भी है, शर्म आनी चाहिए, क्या हो रहा है? चलो आप सब अपने अपने डबल के साथ, पैर के साथ जाके बैठ जाइए अंदर, कम आइए आइए आइए। काफी ट्रबल किया इन लोगों ने, तो इनसे हम लोग डबल ट्रबल रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आ जाओ। पुंज पुंज पुंज, पिछले सीजन जो आप घर में थे उसका हैंगओवर अभी तक है? हाँ जी, बाकायदा है, ऐसा जबरदस्त हैंगओवर है, बहुत पॉजिटिव हैंगओवर है। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 किलोज एंड आई केम आउट फेल्ट यंगर एंड एनर्जेटिक, वेरी नाइस। एंड देन यू पुट इट बैक ऑन अगेन, क्या वापस घुसने का इरादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि आई पुट ऑन अबाउट 5-6 किलोज ऑफ मसल, आई बीन ट्रेनिंग। लवली, आप और अली में से डबल कौन है? जानता हूँ ये डेढ़ है, इसमें थोड़ा सा आधा और डाल दो तो ये डबल हो जाएगा। हम दोनों में आप मुझे बोलने की बोलते हैं हाथ कंगन का हारसी, क्या लोग देख सकते हैं डबल कौन है? और ट्रबल? ट्रबल भी जानते हैं आप, पिछली बार इतना डर के ये बिग बॉस के घर छोड़ के भागने वाला था, तो ट्रबल भी मैं ही हूँ, डबल भी मैं ही हूँ। क्या बोलते हो अली? सर ये ट्रबल भी है, डबल भी है, और ये मैं तो कहता हूँ ये पुरुष महापुरुष, मुझे तो लगता है ये कुछ करेंगे तो नहीं ना सर आप? हाँ ये यही है सब कुछ, आत्मा भी यही, मनुष्य भी यही। स्माइल देखिए आप। अगर एक्स कंटेस्टेंट्स को लेके एक सीजन हो तो इनमें से आप दोनों को कौन सी जोड़ी एकदम जबरदस्त लगती है? सर जबरदस्त, सर जबरदस्त लगती है करिश्मा और उर्वशी की जोड़ी, बाकियों की तो शक्ल बहुत पुरानी हो चुकी है। ये कौन बोला? तू बोला? ये What do you think? Yeah, I agree. क्या? किस बात पे? ऐसे बोल दिए तो agree, हाँ? We're definitely the better looking ones. वैसे अच्छा, हाँ वैसे तो trouble हैं, correct है, लेकिन अगर वैसे trouble के लिए जाओ
तो आई थिंक आप होगी पौना ट्रबल, क्योंकि आपने तो घर में ट्रबल ना लिया ना दिया, आपका थोड़ा सा आप मैं ट्रबल भी हूँ और डबल भी हूँ। आप ट्रबल भी हैं डबल भी हैं, बिल्कुल। पुंज जी, हु हैज बीन द बिगेस्ट डबल ट्रबल इन द बिग बॉस हाउस? मैंने सब सीजन देखे हैं, इन ऑल द सीजंस, ऑल द सीजंस, ऑल द सीजंस। जो एकदम पहला नाम इंस्टेंट आता है 1-1 आर्मी इज डॉली बिंद्रा, डॉली बिंद्रा आता है। और जो लड़कों में ये सिद्धार्थ भारद्वाज ने जो तंग किया था, ही वाज ब्रिलियंट, इतने तंग किया था, ही वाज ब्रिलियंट, कमाल है यार। ट्रबल के भी पॉइंट्स मिलते हैं यार। सर थर्ड आया था लड़का, थर्ड आया था ये? नहीं, थर्ड इसलिए आया था कि आधे सीजन के अंदर सुधर गया था ये। अब माइक दो और बताओ, कारण भी बताओ क्यों सुधरे थे तुम। मैं तंग किया नहीं था, मैं तंग होने से बहुत अच्छी तरह बचा था, सो आई थिंक दैट्स व्हाई। और वो क्योंकि मैं आधे सीजन में सुधर गया था, जैसे आप बोल रहे हो, मतलब लाइन पे आ गया था। मेरे को आधे सीजन तो समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, फिर उसके बाद मैंने क्यू पकड़ी और मैंने कहा अच्छा इधर जाना था, और मैं गलती से बहुत लंबा उधर चला गया, तो फिर मैं धीरे 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 इधर आया और स्पीड पकड़ के काफ़ी अच्छा हो गया। इसलिए मैं आई थिंक इंडिया में यंगेस्ट था जो फाइनल में आया था, और आज तक हूँ। मतलब इस एज में भी आज तक हो? नहीं नहीं सर, वो रिकॉर्ड आज तक है। प्रीतम और पंडित जी, प्रणीत, किसी अच्छे इंसान के लिए उसके घर में सबसे बड़ा डबल ट्रबल फैक्टर क्या होता है? सर अपनी गरिमा को बचा के रखना सबसे बड़ा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना मेरी नज़र में। और बिग बॉस के घर में? सर वही काम आता है सर, सर वही, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है सर, उसमें कोई चेंज नहीं है सर। मुखौटा सर कब तक आप पहन के रखेंगे, कभी ना कभी तो उतर ही जाएगा। तो जैसे हैं वैसे रहेंगे तो बेहतर है। राइट सर। एक बात बताओ, जो आपको सुनने वाली जो लेडीज हैं रेडियो पे और जो बिग बॉस की लेडीज हैं, उनमें क्या अंतर है? सर रेडियो पे जो लेडीज हैं वो सिर्फ सुनाई देती हैं, बिग बॉस की सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं, और बहुत जोर से सुनाई देती हैं। आप? सर यही, मैं इनसे सहमत हूँ, प्रीतम से, अपनी गरिमा को बचाना बहुत। बोल दें तो काट देंगे ये। सर शादीशुदा मर्द और क्या बोल सकता है सर, आप समझो सर। अली? यस सर, यस सर। तू सारा दिन गाते रहता है? जी सर, नहीं मतलब कभी कभी। एजाज को बुलाऊं? मत बुलाओ सर, फालतू में मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। काश सर अगर आप बोलो तो एक सुनाओ कुछ आपके लिए। हाँ सुना दे सर। तेरे भागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, तेरे भागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, ट्रबल दे जाता हूँ मैं देर करता नहीं, ट्रबल दे जाता हूँ। बिग बॉस के घर में आए 15 मेंबर हैं, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ नीला अंबर है, सिर्फ नीला अंबर है बिग बॉस के इस ट्रबल ट्रबल में। अब होगी असली मस्ती, आओ तो जरा, देता हूं तुम्हें सस्ती सस्ती। दूं क्या भाई, दूं क्या? इधर आ, इधर आ, मैं देता हूं, इधर आ, इधर आ। वहां दिख रहे दो लोग, एक की शर्ट पहन के। जी कौन है, कहां पर है, दिख रहे तेरे को? कौन है यहाँ पर जो यहाँ पर एक ही शर्ट पहने? ये प्लीज मत डालो, ये ट्विटर फेसबुक पे मत डालो, इसका बहुत फायदा होएगा, मैं नहीं चाहता। और सुन, और सुन, और सुन, और सुन मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि तू जब कोई पूछे ना मेरे बारे में कुछ, जी हाँ, तो बोलना नहीं, वो खुद ही का हैंडल करेंगे भाई, हमको इसमें कोई नॉलेज नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो एजाज बोलता है सर, मैं तो बोलता ही नहीं। आपको सर भी बोल, सबको बोल दे, वही बोलते हैं। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। हाँ। आते मदद करने और तकलीफ देकर जाते हो।
सर लेकिन मैं नहीं बोलता सर, ये गलत फहमी हो गई है। नहीं नहीं कोई गलत फहमी नहीं है। चलो किधर है ये सर? आहा, ये लो, आ जाओ, आ जाओ भैया ऊपर आ जाओ। आहा, आइए आइए। अबे ये तो है यार, इसको तो देखा मैंने, ये जर्नलिस्ट ना, ये अभी बना है, अभी एक साल, थ्री इयर्स। आप लोग ऐसा करो साइड में आ जाओ, इसको उतारो, मैं हम चुनते हैं। अब आ गए, अब इनकी मर्जी थी सर। मैं चुनू क्या एक गाके? नहीं ठीक है। हाँ क्या? मैं चुनता हूँ ना, एक मैं पहनूंगा, एक अपने साथ में किसी को लूंगा ना, मैं कहाँ बैठूंगा इसमें बीच में? आप उतारो ना, एक तो उतारो। तो ऐसे रहना, बीच में चले ना, ऐसे हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे, तीन आ जाएंगे। मजा आपको, आप आ जाओ, थोड़ा बीच में आओ। हाँ भैया, तो आप लोगों ने अब मजा आ रहा है इसमें? हाँ ओके, नहीं मजा आ रहा है ना, तो जरा जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जोरदार बजाओ ना। ये देखो थोड़ा सा इसको आगे कर भाई, थोड़ा सा आगे करो दुकान। हाँ तो ये गाना इन दोनों के लिए गाएंगे। ये मैं बोलता तो बवाल खड़ा हो जाता। तो एवरीबॉडी, मिलेगा ना इनके जैसा दीवाना, जहां में तुझे ले चलेंगे, जहां भी कहेंगे वो वहां में तुझे। बिग बॉस 9 में डबल ट्रबल है बेबी, ये देखो दोनों के दोनों अब आपस में बिल्कुल नोचेंगे, तो जोरदार तालियां इन दोनों के लिए बजाइए, क्योंकि इस बार बिग बॉस 9 में वी गोना रॉक। या गाना आता है कुछ भाई का गाना आता है गाना? हाँ सुनाओ जरा, इसी मुंह से सुनाना। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना हो तो से बया, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि ये है हीरो हमारा, ये है हीरो हमारा, कि ये है हीरो हमारा। ताली बजाओ उनके लिए, जोरदार ताली बजाओ यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स सर। आइए कम करे, एक और है, कोई और है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यार सो, तू हर जगह पहले भी आया था ऊपर। इस शर्ट में नहीं आ रहा सर। आइए इधर आ जाइए। गुड गुड, हाय सर। की फिल्म का आप लोगों को ऐसा गाना गाना है? मुझे पता था आप ब्लैक पहनेंगे, इसलिए मैं भी ब्लैक पहनूंगी। बहुत अच्छा, वाह वाह, कमाल है। लिखते हुए समझ में नहीं आता है सर। नीला है, देखो ध्यान से नीला है। अगर बुरा नहीं लिखोगी तो अखबार और टीवी कैसे चलाओगी मैडम? अब एक ऐसा गाना गाओ जो सर के बहुत करीब है, ऐसा आप दिल से गाइए। हो गया मेरा भाई, चल गाती हो? ओ ओ जाने जाना, ढूंढी तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। आ जाओ पॉल पचीनो के पास, आ जाओ पीछे, आ जाओ, एक टावल लेके आओ, दो टावल लाओ, दो टावल लाओ। मुझसे शादी करोगे? एक पुनीत का है और एक अली का है, कौन सा वापरना चाहोगी आप? अभी नहा के आए ऊपर से, बदन पोछ पाछ के। अब एक टास्क करना है आप लोगों को, अभी गाना बजाएंगे आप लोगों के लिए, और वो वाला जो स्टेप है ना, इसमें करना है आप लोगों को। आ जाओ इसमें 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 इसमें। हाँ नहीं नहीं, शर्ट रहने देना यार, शर्ट रहने देना, ये मुंह में ले ले इसको। ये तो चैलेंज है डबल। अब सोचो यार, यहाँ पर इतनी परेशानी होगी, घर के अंदर कितनी परेशानी होगी। आ जाओ, ये है सैंपल डबल ट्रबल का। हो, इसका मतलब मेरे को कुछ कुछ आइडिया आ रहा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो कंटेस्टेंट्स अंदर जाएंगे उनका क्या हल होने वाला है, क्योंकि हर चीज साथ में। तो समझ रहे हो क्या होने वाला है? बहुत बड़ा डबल ट्रबल है। अरे सर ये तो
ये तो कानों के लिए भी खराब है, नाक के लिए भी खराब है सर ये तो। अगर इतने डिस्टेंस क्यों? हाँ रेडी सर, गाला म्यूजिक। Thank you. More than enough. Thank you. आइए आइए आ जाओ। ये टॉवल गिफ्ट है, कलर्स की चलिए। हाँ लास्ट तक नहीं नहीं ठीक है। हाँ नहीं ना फिर बहुत थैंक यू माता श्री। तो अभी भारती भारती और विभा अरे वो जो चीजें हैं कुछ ले आओ जल्दी जल्दी करो। ये 1 2 3 जी सर केला। तो ये तीन चीजें अगर घर के अंदर आप किसी तरह से स्मगल कर ले जाते हो एक ही चीज कोई भी जी, तो इसका घर में दुरुपयोग ट्रबल करने के लिए डबल ट्रबल पहुंचाने के लिए क्या? सर केले ले जाऊंगा। नहीं सर केले ले जाऊंगा, उसके बाद पॉज मत दिया कर तुम यार, सीधा डायरेक्ट बोलो। सर केले ले जाऊंगा, केले इसलिए ले जाऊंगा कि देखो सर दो काम करेंगे जी सर। एक तो लोगों का पेट भरेंगे क्योंकि बिग बॉस में खाना जो है थोड़ा कम मिलता है। दूसरा जो ट्रबल कर रहा है सर केला खा के फेंक दो सर, जो जुबान से फिसला हुआ जमीन पे भी फिसले सर, क्या बात, ताकि उसको लंबी तक रियलाइजेशन हो लंबे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप किसको बुला जाए सर? अली तू दिखाई दे रहा, मैं तुझे बुला नहीं रहा हूं। उर्वशी का तेरा हो गया भाई, तेरा काम हो गया। आप उर्वशी क्या लेके जाएंगी? हथौड़ा। हथौड़ा क्या इस्तेमाल है वहां पर? सर घर के अंदर बहुत लोग हैं सलमान जो अपने खुद के पैरों पे हथौड़ा मारते हैं। कुल्हाड़ी सुना था? नहीं नहीं हथौड़ा, वहां पे हथौड़ा बेस्ट होता है। कुल्हाड़ी अंदर तक लाना बहुत मुश्किल है। अब आप प्रॉप्स दे रहे हैं तो ये लेके जाओगे? लेकिन लेकिन डबल डबल ट्रबल कैसे? हां जी डबल ट्रबल कैसे इसका? देखिए दोनों एक साथ रहेंगे जी, एक ने मारा उसी वक्त मारो, दूसरे आपको एंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे को हथौड़ा मारते रह जाएंगे। एक चीज बची अभी, कौन आएगा उसके लिए? करिश्मा यू डोंट कम आई मीन लाइट ऑन इज ऑलवेज गुड या Sujata, stop laughing at all these things that you think I am thinking of. Puns. Kya yaar, kuch bhi kisi bhi cheez pe haste hain log naam kara kar dete hain. Hiral, babe. Sir, ye jo leke jaoge aap, to iska aap kya karoge ghar ke andar? Iska ek hi upyog ho sakta hai. On kar sakte ho isko. कहा? तो कि ये इसको जो ऑन करने का ये बेसिकली एक लोगों को बताएंगे कि भाई अपनी जो बत्ती है उसको जगा के रखो और एकदम सेनिटी खो मत बिग बॉस घर के अंदर, और सही जो गलत क्या है बिल्कुल उस पर ध्यान दो, बहाव में बह मत जाओ और बी योरसेल्फ। तो ये उनको बेसिकली सर ये तो हुआ बाबा पुनीत सर। अब बाबा पुनीत सर क्या करे इसे? सर नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वहां से आओगे यंगर हो गए हो, फिटर हो गए हो। सर जो पंगा करेगा ये तोड़ के उसके बेड के नीचे पैरों के नीचे उसके।
नाच बसंती नाच। हाँ जी आज तेरे क्या वो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओहो ये मैं ले जाऊं। और कुछ कोई इंप्रोवाइज करना चाहेगा? हाँ आ जाओ भाई, तुम्हारा शैतानी दिमाग चल रहा होगा इस वक्त। पॉल पचीनो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तू ये लेके जा और कभी लाइट ऑन करना ही मत तू अंदर, ये तू घर पे भी लेके जा और लाइट ऑन बंद ही रहने देना, सही फायदे में रहेगा। जहां लाइट ऑन हुई सब भाग जाएंगे। सर क्या होता है? जी सर, बिग बॉस में लोग चीजों के पीछे लड़ते रहते हैं। जी ये मेरे को दे दे, ये मेरे को दे दे। जब कोई नहीं देता तो इरिटेट होके बोलते हैं बत्ती बना ले इसकी, तो बोलने से अच्छा ना बेटर है। बैठो। स्ट्रेट ऑफरिंग मत। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।